सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्वा स्टेशन। सो आज का इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप कैसे ग्लोफिश टेट्रा को ब्रीड कर सकते हैं। सो ग्लोफिश टेट्रा ब्रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड ब्रीडर ही करना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्लोफिश टेट्रा को बारे में सीखना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गया है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो मेल एंड फीमेल सिलेक्शन। ग्लोफिश टेट्रा ब्रीडिंग के लिए मेल एंड फीमेल टेट्रा को सही तरीके से सिलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैच्योर टेट्रा को सिलेक्ट करें। मेल टेट्रा को फीमेल से डिस्टिंग्विश करने के लिए लुक एट द ब्राइटर एंड द मोर विविडली कलर वन। जो सेकेंड स्टेप है वो है ब्रूडिंग टैंक सेटअप। आपको ब्रूडिंग टैंक का सेटअप करना होगा। इसके लिए 10 गैलन का टैंक काफ़ी होते हैं और इसमें सॉफ्ट एंड एसिडिक वाटर मेंटेन करना होगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पॉनिंग प्रोसेस। स्पॉनिंग प्रोसेस में मेल एंड फीमेल टेट्रा को ब्रीडिंग टैंक में रखना होगा। मेल एंड फीमेल टेट्रा को 12 टू 14 आवर्स के लिए लाइट अप कर देना चाहिए ताकि उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट की जा सके। इसके बाद आपको लाइव फूड और स्मॉल साइज पेलेट फूड सर्व करना होगा। इससे उनके ब्रीडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा और लाइव फूड के अंदर आप डफनिया, ट्यूबीफ्लेक्स वर्म और ब्लड वर्म भी दे सकते हैं और क्रश पेलेट के अंदर आप टेट्राबिट्स का यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है सेपरेटिंग द एडल्ट। आफ्टर ब्रीडिंग द एडल्ट शुड बी मूव फ्रॉम द टैंक, अदरवाइज दे कैन ईट द एग एंड द फ्राई। जो फिफ्थ स्टेप है वह हैचिंग एंड रेजिंग द फ्राई। एक को हैच करने के बाद आपको फ्राई को भी सही तरीके से रेज करना होगा। फ्राई को स्मॉल साइज फूड सर्व करना होगा, जैसे कि होगा आपका न्यूली हैच्ड ब्राइन स्ट्रीम और मॉल साइज पेलेट। यह प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अगर आपको ग्लोफिश टेट्रा फिश को ब्रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो एक एक्सपीरियंस ब्रीडर से भी सलाह लेना चाहिए। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।